लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये कंपनी बंद हो जाती है, लालच के चक्कर में ही चला जाएगा, पूरा पैसा बर्बाद, 31,000 करोड़ का बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। ये तो अभी तो शुरू हुआ है, देखिए यही है। तो आप यही बोल सकते हो कि भाई तू एक सप्ताह बाद दे देना, तो उसका परेशानी हो सकती है, हो सकती है ना, मैं उसको फिर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरत के टाइम पे मेरे को दिया है, देगी कि नहीं? जरूरत के टाइम पे दिया है तो फिर बाद में देना ही पड़ेगा ना। हाँ इसी बात एम तुम लोग ये जो स्कैम वगैरह हो रहा है, इतना न्यूज वायरल हो रहा है, इतना ऐप बंद हो गया, ठीक है, सब हर कोई आपको फोन कर, अभी चीज भी कॉन्टेक्ट में फोन करो, आपको क्या बोलेगा, आप एग्रीमेंट लेटर मेरे को भेजो, एमबीएससी का नाम बताओ, उसके बाद चेक करके आपको पैसा दूंगा, यही बात बोलता है ना। तो यही बात है, उसको भी समझना पड़ेगा कि वो जरूरत के टाइम का आपको पैसा दिया है। मेरा बात सही है कि गलत है, आप बताओ? सही है, आपका परेशानी है, ठीक है, मेरा इज्जत उतारने के लिए आपको लेकर मैं अभी आधा घंटा लगेगा आपको साइबर क्राइम में जाने में लिए, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, आपका ये नंबर ब्लॉक हो जाएगा, आपको पकड़ लेगा, अब तो धरपकड़ चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, आप एक महीने के अंदर सब कुछ चला, 31,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, आपको पता है मैम, सब कुछ पता है, 21,000 करोड़ का कोई छोटा 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 अमाउंट नहीं है मैम, कि उसका उसका कोई केस वगैरह नहीं होगा, ऐसे कोई कि छोड़ देगा, ऐसे कोई नहीं होगा, ये आपका इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी 21 में चला आया है, 21 करोड़ का घोटाला जो भी पकड़ा जाता है उसका बैंक अकाउंट सीट कह रहे थे गवर्नमेंट का ही जाएगा ना, आप बताओ? तो बात ठीक है, अब क्या करते, हम तो यहाँ पे एजेंट काम करते हैं, और रही बात इतने घोटाले की, इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। ना आप सब कुछ पता है, आप लोगों का सब कुछ पता है, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन है, मेरा भी प्रोफेशन है ना, आपका प्रोफेशन की खातिर, आपका लॉकडाउन टाइम में नौकरी नहीं था, ये कॉल सेंटर वाला आपको नौकरी दिया, आपको खाने का लिए पैसा दिया क्या नहीं दिया? वही तो सर। हाँ तो इसलिए जब जरूरत थी तो यही काम आया। ये तो अच्छा बात है, आप दिल्ली से बोल रहे हो ना? यस सर, दिल्ली से बात। दिल्ली तो दिल्ली गुड़गांव में कितना कॉल सेंटर बंद हो गया, उसका क्या होगा बताओ? आप यही बात बोलना चाहते हो, मेरा बात 100 लोग सुने क्या 200 लोग सुने, ऐसे कोई बात नहीं, मैं आप समझ जाओ तो सब कुछ समझ जाएगा, क्योंकि आप प्यार से पैसे मांगोगे ना, कोई भी दे देगा आपको, कोई भी देगा, यही हैरेसमेंट वगैरह, गाली वगलौज वगैरह, कॉल गाली वो लोग देते हैं जिनकी डेट मतलब कि 10 दिन 1 महीना 2 महीना हो जाता है, रूल्स है वो लोग गाली देते हैं, रूल्स है, आप बताओ वो रूल्स है, रूल्स नहीं है ना, वो आरबीआई का कोई रूल्स तो सही है कि रूल्स नहीं है, पर लोग ऐसे करते हैं ना, लोन लेके फिर छोड़ सोचते हैं कि ऑनलाइन लोन है, कौन हमारे ऊपर आएगा। अभी अभी हम आपको बताएंगे, आप जो रॉक लोन का बार-बार बता रहे ना, इसका भी नाम है, मैंने देखा है, सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मैं बैंक में हूँ ना, इसका नाम है, हाँ इसका भी नाम है, और जो दिल्ली इसका भी नाम है, आपको स्क्रीनशॉट भेजू, बोलो क्या हुआ सर, हो भी सकता है क्योंकि इतना चल रहा है तो क्या पता होगा। आप बताओ, एक हफ्ते बाद जब सुप्रीम कोर्ट राय देगा आपका सैलरी कहाँ जाएगा, आप कहाँ पर जाओगे बोलो? हमारे काम तो या फिर यहाँ से छोड़ देंगे, कहीं और करेंगे। हाँ तो ऐसा काम करो ना, नौकरी तो बहुत है, बहुत है, क्या बात कर रहे हो, बहुत है, मेरे को भी दे दो यार। मतलब कि अपने अपने प्रोफेशन में तो मिल जाएगी ना? से तो मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और मिलेगी, मिल तो जाएगी, किंतु ऐसे ढंग का काम करो जिसमें आपको देखना चाहिए जी, एक कंपनी के मैंने काम कर रहा हूँ ना, इस कंपनी का रेपुटेशन क्या है, यही मेरा बोलने का तरीका था, हर जगह से आप स्कैम हो जाओगे ना, 2 दिन बाद आप कोई भी बड़ा कॉल सेंटर में चला जाओ, TCS वगैरह में चला जाओ, विप्रो में चला जाओ, मिल जाएगा नहीं?
आपको क्या बोलेगा, आपको रिकॉर्ड देख के क्या बोलेगा बोलो, आप बोल, मैं बता रहा हूँ क्या बोलेगा कि आप तो गाली गलौज करते हो, आप तो फेक कंपनी में थे, आपको नौकरी नहीं मिलेगा, बोलेगा ही बोलेगा, बोलेगा ही बोलेगा, आपको बोलेगा ही बोलेगा, आप क्या बोलोगे भाई मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को नौकरी दे दो, तब से आपका क्या होगा आप मेरे को बताओ। कॉल सेंटर में काम, आप मेरा मेरा बहन समझ के, मेरा बहन आप हो तो बहन समझ के ये मैं सलाह दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं भी पोस्ट प्रोफेशन में हूँ, मैं भी बैंक में हूँ, आज छुट्टी है घर में बैठाऊ, मैंने देखा है रॉक लोन से मैसेज, रॉक लोन का बारे में आप, आपको बता रहा हूँ, रॉक लोन का मैंने पिछले बार भी लोन लिया था, उसका कॉल सेंटर से पहला कॉल आता है जो कंप्यूटर जनरेटेड का होता है, 2 दिन से आता है, ये 2 दिन के मेरा कोई कॉल वगैरह नहीं आया है, मैं समझ गया था तब भी बाद, उसके बाद मैं न्यूज़ देखा, न्यूज़ तक आज नहीं, एक सप्ताह पहले न्यूज़ का मैं बोल रहा था, ठीक है। तो मैंने जब ऐप सर्च किया तो ये दिखा रहा है ये फेक है, ये टोटल जो लिंक वगैरह भेज, तो आप बताओ ना कौन आप, आपका कौन पेमेंट करेगा, कोई चाहेगा कि चाइना में पैसे जाए, कोई नहीं चाहेगा। वो तो सर चाइना में पैसे जा रहे हो तो मैं भी समझती हूँ, बट लोग तो लेते हैं ना लोन, लोन देते हैं उसका, डाउनलोड करते ये कुछ हैं। नहीं होता इसका ना, ना आपका लोगों का सब कुछ ठीक ही चलता, ठीक ही चलता, क्योंकि उतना ज्यादा लालच के चक्कर में इतना ज्यादा ब्याज लेना कौन जाएगा, लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये कंपनी बंद हो जाती है, लालच के चक्कर में ही चला जाएगा पूरा पैसा बर्बाद, 31,000 करोड़ का बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, ये तो अभी तो शुरू हुआ है, देखिए हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब 6 दिन बाद हम आपको बोल रहे हैं, 6 दिन का टाइम मैंने दिया ना, आप आपको पेमेंट करूंगा 6 दिन बाद, जो प्ले स्टोर से ये एप्स निकल के चला जाएगा ना, तब हट चुका है, ऐप हट चुका है, देखिए ऐप हट चुका है, हटा दिया है हमारी कंपनी ने ये। तो आप बताओ मैं कहाँ पर लिंक भेजूँ, तो थोड़ा सा कोई फर्जी कंपनी, बस जो पहले के कस्टमर है वही पेमेंट कर रहे हैं, बाकी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये ऐप अपने आप बंद हो जाएगी, आपसे आप बंद हो जाएगी। मेरे से मैं कोई 2 सिविल स्कोर से चेक होता है, एक किस्त लोन एक क्रेडिट भी, 2 सिविल स्कोर में चेक होता है, आता है और कुछ नहीं आता, ये वाला ये छोटा वाला छोटा वाला क्या होगा, आप बताओ, आपका सलाह दे रहा हूँ मेरा। आप दिल्ली, आप दिल्ली का रहने वाले हो ना? यस, मैं दिल्ली से रहने वाली। हाँ, आपका कोई भी दिक्कत हो मेरा ये नंबर है आपका पास, मेरा नाम, मैं वेस्ट बंगाल में से हूँ, मैं एक प्रोडक्शन केमिस्ट हूँ, मैं बैंक में काम नहीं करता, मैं प्रोडक्शन केमिस्ट हूँ, मैं बी फार्मा किया हूँ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, वेस्ट बंगाल से हैं आप? हाँ, वेस्ट बंगाल से है, मेरा खुद का एक कंपनी है, आप देख लीजिए, यूनिक हर्बो केयर से नाम से, ठीक है, इंडिया मार्ट में अवेलेबल है, ठीक है, यूनिक हर्बो केयर, उसका प्रोप्राइटर मैं हूँ, ठीक है। तो मैं खुद एक बी फार्मा हूँ, मेरा खुद मैं मेडिसिन वगैरह बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, ठीक है। तो आप दिल्ली में बहुत सारा मैम ये है मेरा दोस्त वगैरह है, आपको कोई भी दिक्कत हो, बहन बुलाया तो बहन का मर्जा तक मैं रखूंगा, आप एक काम छोड़ दो, एक काम आपका करियर का तो कुछ होने वाली हूँ, तो कहीं देखा भी है इंटरव्यू, ठीक है, मैं आपको हेल्प, कोई आपका नंबर है ना, मैंने सेव कर रहा हूँ, यस ओके, आपको मैं दिल्ली में फोन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा और बहुत सारा दोस्त है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एरिया मैनेजर है, ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्त वगैरह है, मैं खुद ही यूपी में दिल्ली में आया 6 तारीख से आया, मैं एग्लोमेट का प्रोडक्शन केमिस्ट था, थोड़ा सा लॉस वगैरह हो गया था, नौकरी ज्वाइन कर ले लिया था, दिल्ली में ही था मैं, अच्छा, उसी की दौरान ने लोन लिया था, नहीं तो मेरे का कोई दिक्कत नहीं है लोन वाला, तो लोन कोई तभी नहीं लेगा जब कोई जरूरत होगा अर्जेंट, इतना कोई ब्याज देकर लोन पर जल्दी कोई लेगा नहीं। आप तो बंद हो गया, वो तो 6 दिन के मैंने टाइम मांगा है ना, 6 दिन बाद ऐप्स आएगा तो मैं करूंगा ही करूंगा, मैं तो, मेरे को तो पता नहीं है वो ऐप्स रहेगी कि नहीं रहेगी, ये हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा सर, ऐप्स दे ही रहेगी, देखिए देखिए ऐप ऐप रहेगा, जैसे कि जिसको पेमेंट करना होगा ना उसके लिए रहेगा, न्यू लोन लेने के लिए ऐप नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। ए, 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 आप बताओ, आप मेरे को फोन करेंगे, मैं थोड़ा मैम मैं और को बताऊंगा, तो आपको फोन करेंगे,
और मैंने बोला छतरी को मैं कर दूंगा। छतरी के बाद आपने फोन किया, अरे आपका ऐप भी नहीं है के पास प्ले ये स्टोर केस में। मेरे पास रहेगा ही नहीं, नहीं छतरी के पास ये केस मेरे पास ही रहेगा ना सर, किसी के पास चला जाता है। नहीं देखिए, आपका प्रॉफिट होगा 2-3 हजार, मेरे से ले लो, मैं दूंगा नहीं सर, आपको। इतना हमारा इतना प्रॉफिट नहीं होता है, हम सैलरी बेस पे काम करते हैं। सैलरी तो आप देगा हाँ कैसे? नहीं सर, मैं करती हूँ सैलरी बेस, अभी तो फ्रेशर ही हूँ इस कंपनी में, 1 महीना हुआ है ज्वाइन किए, ये 1 महीना 1 महीने हुआ में है, अभी हुई अभी होगी सैलरी आपको मिला है? 31 तारीख से चला गया कल, सैलरी, आ चुकी है सैलरी, आ चुकी है? कोई बात नहीं, आ चुकी है तो बहुत अच्छा। सैलरी लेट नहीं करते ये लोग सैलरी दे देते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं भूल गया था, माही, माही श्रीवास्तव। माई श्रीवास्तव। तो बाच्चे खानदान का होता। ये श्रीवास्तव हूँ मैं। हाँ ठीक है मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको आपका CV मेरे को व्हाट्सएप में भेजो, ठीक है? ओके हाँ मैं सीवी सेंड कर देती हूँ आपको हाँ व्हाट्सएप ठीक है, थैंक यू।